जा रही है, क्या है ये? नहीं, नेशनलिज्म का कुछ लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन दिया वो बहुत अजीब है। वो अपने आप को नेशन समझने लगे हैं। अगर आप उन्हें अपोज कीजिए तो आप एंटी नेशनल हैं। ये लोग जो ये जो राजनेता वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, ये तो फसली लोग हैं। फसल बदल जाती है, ये बदल जाते हैं। ये कोई हमेशा रहने वाले थोड़ी होते हैं। नेशन तो हमेशा रहेगी। जो देश है, जो नेशन है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी से और हर पॉलिटिशियन से बहुत बड़ा है। और कोई भी पॉलिटिशियन जो ये समझे कि मैं देश हूं, मैं नेशन हूं, वो गलत। वो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त पे बैठा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये तो वो किसी ने कहा है कि जो आज बैठे हैं मसनद पे कल नहीं होंगे। किरायेदार हैं, राती मकान थोड़ी है। तो जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा अक्सर हुआ है और कि एक पार्टी, एक स्कूल ऑफ थॉट, एक लीडर अपने आप को कंट्री से कंफ्यूज करने लगता है कि मैं कंट्री हूं, मैं ही देश हूं। वो गलत। हमारा कमिटमेंट देश से, स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क है। हो सकता है कि मेरा कमिटमेंट गवर्नमेंट से ना हो, हो सकता है हो, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, अलग बात है। मेरा कमिटमेंट अपनी स्टेट से, अपनी नेशन से, वो एक अलग बात है। वो परमानेंट है, ये टेम्पररी है, ये मैं बदल सकता हूं, वो नहीं बदलूंगा। ये बात नहीं जावेद साहब, जब आप लिखते हैं और जब उसे अपने शब्दों में पिरोते हैं, वो एक जावेद अख्तर की पहचान है। लेकिन जावेद अख्तर साहब जब कहते हैं दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलकर आप महाराणा प्रताप करना चाहते हैं, तो आप जनरल वीके सिंह को क्विट कर देते हैं। जनाब, आपको तो इतिहास नहीं पता, इन्हें तो अपने जन्म के बारे में नहीं पता, ये गुस्सा क्यों आ जाता है? देखिए, इस मुल्क में, और ये मैं दावे से कह रहा हूं, जो बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए उनकी आप लिस्ट बनाए तो बगैर अकबर की वो लिस्ट कंप्लीट नहीं। वो आदमी इतना बड़ा आदमी था और इतना दूर तक देखने वाला आदमी था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। आज से 450 साल पहले, जब यूरोप ने सेकुलरिज्म का नाम नहीं सुना था, जब वहां प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक एक दूसरे को स्टेक पे जला रहे थे, यहां हिंदुस्तान में एक आदमी न सिर्फ ये कि सेकुलर था, वो सेकुलरिज्म की फिलॉसफी और थ्योरी को समझता था और वो उस पर काम कर रहा था। उसकी अगर तफसील जो पढ़ेंगे, ये तो जाहिल लोग हैं, कुछ जानते थोड़ी है ये। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको नाज होगा कि आप उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में अकबर पैदा हुआ था। कमाल की बात है। आप ये देखिए, ये बोलते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये बाहर के थे। अरे, बाहर का ओबामा नहीं था अमेरिका में। ओबामा का बाप केनियन था, मां अमेरिकन थी। ओबामा अमेरिका में पैदा हुआ और उसके बाद, बावजूद इसके कि वहां की मेजोरिटी से उसका रंग भी अलग था, वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट बन सकता था और अमेरिकन था। यहां शाहजहां की पिछली 5 पीढ़ी हिंदुस्तान में थी। उसका बाप, उसका दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए। शाहजहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इनका बाप और दादा हिंदुस्तान से कभी बाहर ही नहीं गए, वो यहीं पैदा हुए, यहीं मरे। अंग्रेज और मुगलों में फर्क यह है कि अंग्रेज हिंदुस्तान की दौलत लेके लंदन ले जाते थे, ये मुगल कहां ले जाते थे, ये तो हिंदुस्तानी हो गए थे। इनके दौर में जब 300 साल तक सिविल वॉर्स नहीं हुई नॉर्थ इंडिया में, तो प्रोग्रेस हुई। हिंदुस्तान वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अंडर मुगल रिजीम। आप एक बात बताइए, यूरोपियन आए उस जमाने में, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए, तरह तरह के लोग आए। अरे, छोटे छोटे मुल्कों से, जो फिनलैंड से और स्वीडन से भी आदमी आए यहां।
ये सारे के सारे जो मुल्कों के लोग आए थे, पुर्तगीज आए, ये क्या करने आए थे? यहाँ साइट सीइंग के लिए आए थे? यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ दौलत थी। आज हॉलीवुड का बड़ा प्रोड्यूसर, आज मीडिया का बहुत बड़ा टाइकून, मीडिया मुगल या मूवी मुगल क्यों कहलाता है? मूवी सीजर कहो, मूवी फैरो कहो, क्यों कहलाता है? उन्होंने इतनी दौलत और इतनी शान देखी नहीं थी, उनकी आंखें खुल गई। थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आया था जो परमिशन लेने ट्रेड के लिए, उसने लिखा है कि अगर इसने परमिशन दे भी दी तो हम इन्हें बेचेंगे क्या? इनके पास तो सब कुछ है। एक एवरेज इंडियन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक एवरेज अंग्रेज से कहीं बेटर है। ये आज से 350-400 साल पहले की बात है।